चार विधानसभा का उपचुनाव होना है और उस चार विधानसभा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक था कि हमें आगे की रणनीति कैसे बनानी है। तय हो चुका है, आप लोगों को सही समय पर हम बता देंगे, लेकिन हम लोग का तय हो गया कि कहां कहां कौन लड़ेंगे। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी को या उनके परिवार को आरक्षण पर बोलने का कोई हक नहीं है। जो व्यक्ति, जो परिवार, जो दल आज तक आरक्षण देने का काम नहीं किया, आज दूसरे के बांसुरी पर ताल दे रहे हैं, म्यूजिक देना चाहते हैं, तो लालटेन लेके तेजस्वी यादव जी को ढूंढिए कि कहाँ हैं वो। राहुल गांधी की तरह वो भी तो बीच बीच में विदेश कहाँ जाते हैं, इसका भी तो खुलासा करें। नहीं, हमारा चार विधानसभा का उपचुनाव होना है और उस चार विधानसभा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक था कि हमें आगे की रणनीति कैसे बनानी है। इन्हीं बातों पर चर्चा हुआ। किन-किन सीटों पर कौन लड़ेगा, कब तक तय हो जाएगा? ये भी तय हो चुका है, आप लोगों को सही समय पर हम बता देंगे, लेकिन हम लोग का तय हो गया कि कहां कहां कौन लड़ेंगे। दो सीटों पर आप लड़ेंगे? ये तो मैंने कहा ना कि बस दो तीन दिन बाद हम फिर बताएंगे। सब हो गया है, बस तीन चार दिन में बता देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो आरक्षण का दायरा बिहार में जातीय गणना के बाद बढ़ाया गया, उसे अब नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं करा पाते हैं बीजेपी से, तो वो एनडीए से अलग हो जाए। देखिए, मैं बताता हूं आपको, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी को या उनके परिवार को आरक्षण पर बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जब तक वो लोग सत्ता में रहे तब तक उनको आरक्षण का याद नहीं आया। मैं प्रेस के, मीडिया के भी बंधु से पूछना चाहूँगा कि जब तक लालू यादव जी सत्ता में रहे तब तक उन्होंने कभी कोई आरक्षण देने का काम किया क्या? तो जो व्यक्ति, जो परिवार, जो दल आज तक आरक्षण देने का काम नहीं किया, आज दूसरे के बांसुरी पर ताल दे रहे हैं, म्यूजिक देना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आरक्षण का मुद्दा आया, आरक्षण विधानसभा में, विधान परिषद में, विधानमंडल में पास हुआ, और उसको फिर कैसे अमली जामा पहनाना है उसका भी चिंता नीतीश कुमार जी का नेतृत्व ही कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अभी स्टे नहीं करेंगे इस पर, हम सितंबर में सुनवाई करके फिर इस पर फैसला लेंगे। इस बारे में भी अब्बा उड़ा दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने केस को रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह करके लालू यादव जी के या तेजस्वी यादव जी के परिवार को आरक्षण पर बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ आरक्षण के नाम पर जाति को बांटने का काम करते हैं, और इसके अलावा इनको कोई भी पिछड़ा से, दलित, महादलित, किसी से कोई काम नहीं है। तो रोजगार तो ढूंढेंगे ना, विपक्ष का काम ही है राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए रोजगार ढूंढना, तो वो रोजगार ढूंढ रहे हैं कोई काम करने के लिए। यादव को बोलिए कि उनका जो लालटेन है, लालटेन से उनको एक बार खोजिए ना कहाँ छुप गए हैं वो। मैं बता रहा हूँ ना, पहले तो लालटेन लेके तेजस्वी यादव जी को ढूंढिए कि कहाँ है वो। राहुल गांधी की तरह वो भी तो बीच बीच में विदेश कहाँ जाते हैं, इसका भी तो खुलासा करें।